भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओं की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, सब देवता आदि का अपने अपने स्थानों को जाना, सती खंड का उपसंहार और महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री विष्णु के मेरे देवताओं और ऋषियों के तथा अन्य लोगों के स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों, देवताओं आदि को कृपा दृष्टि से देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा। महादेव जी बोले, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। चार प्रकार के पुण्य आत्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापते, उन चारों भक्तों में पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के तीन तो सामान्य श्रेणी के भक्त हैं, किंतु चौथा का अपना विशेष महत्व है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। वह मेरा रूप माना गया है, उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। मैं आत्मज्ञ हूँ, वेद वेदांत के परम पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है, वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। अतः दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय ले, समाहित चित्त होकर कर्म करो। प्रजापते, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण रूप में ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ, स्वयं प्रकाश तथा निर्वेश हूँ। मुने, अपनी त्रिगुण नामिकता माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ। उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय, भेद रहित, केवल विशुद्ध बुझ पर ब्रह्मा परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों की भिन्न रूप से देखता हूँ। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसे ही परकीय बुद्धि कभी नहीं करता। उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझ में भिन्नता नहीं देखता। दक्ष में ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूप एक ही हैं तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप है। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं रखता, वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं, तब तक नरक में निवास करता है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा, जो तुम्हें दिए हुए पूर्वक सारे शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान महेश्वर के इस सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता मुनि आदि को उस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता तथा शिव भक्तों के तत्पर हो गया। वे देवता आदि भी शिव को ही सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की थी, उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित हुए शंभु ने वर दिया। मुने, तदंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को भी यज्ञ भाग दिए, शिव को भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को भी दान दिया। इस तरह उन्हें शंभू का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापते ने ऋत्विजों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। मुनीश्वर, इस प्रकार पर ब्रह्मा स्वरूप शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट हो गए। भगवान शिव के यक्ष का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुखपूर्वक विदा हो गए। मैं और श्री विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्व मंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानत चले गए।
सत्पुरुषों के आश्रयभूत महादेव जी भी दक्ष से सम्मानित हो प्रीत और प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिय सती का स्मरण किया और प्रधान प्रधान गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई, यह बात प्रसिद्ध है। फिर वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वरण किया। वे अब उनके वाम भाग में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। नारद, इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया जो भोग और मोक्ष को देने वाला है और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वह यह उपख्यान पाप को दूर करने वाला, पवित्र एवं परम पावन है, स्वर्ग यश तथा आयु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को यह कथा सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है। हर हर महादेव।